सो व्हाट इज रियल नंबर? रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दोनों को मिला करके उस टोटल सेट को रियल नंबर कहते हैं. सो देन व्हाट इज रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर? सो एनी नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म पी बटा क्यू और विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बटा क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रैशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से टू इज नथिंग बट टू कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टू बाय वन. नाउ हेयर इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बटा क्यू. ये पी बटा क्यू के फॉर्म में है जहाँ पर पी और क्यू, पी हो गया टू और क्यू हो गया वन. पी और क्यू दोनों जो है से इंटीजर्स हैं, दोनों पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स और क्यू जो है से नॉट इक्वल टू जीरो है. क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए यह रैशनल नंबर हो गया. लेट्स से अनदर एग्जांपल समथिंग लाइक 3/4, दिस इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर. इज रूट टू अ रैशनल नंबर? नो, दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर. व्हाई? क्योंकि रूट टू बराबर रूट टू बाय वन. ये पी बटा क्यू के फॉर्म में हमने लिखा इसको, बट पी रूट पी बराबर कितना है, ये पी बटा क्यू, पी हो गया रूट टू, जो कि रूट टू इज नॉट एन इंटीजर. रूट टू एक इंटीजर नहीं है, इसलिए रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर. रूट टू रैशनल नंबर है. और एग्जांपल लेते हैं रूट फोर. रूट फोर बराबर नथिंग बट टू. तो ये टू एंड टू बराबर नथिंग बट टू बाई वन. तो ये रैशनल नंबर हो गया क्योंकि ये पी बटा क्यू के फॉर्म में है और पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है. तो मान लिया 5/0, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है. क्यों? क्योंकि क्यू जो है से कि इक्वल टू जीरो है, लेकिन रैशनल नंबर होने के लिए क्यू जो है से नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए. तो ये जो है से रैशनल नंबर नहीं है. और जो 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 नंबर्स रैशनल नंबर नहीं होंगे वो इरैशनल नंबर हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल रूट टू रैशनल नंबर नहीं था, तो ये हो गया इरैशनल नंबर. ओके. एंड फॉर एग्जांपल रूट थ्री भी क्या हो गया, इरैशनल नंबर हो गया. तो दोज नंबर्स विच आर नॉट रैशनल नंबर विल बी कॉल्ड एज इरैशनल नंबर. एंड रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर टुगेदर दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स.